क्रिकेट फैंस, क्रिकेट एक्सपर्ट, पूरी क्रिकेट की दुनिया में सबके पास फिलहाल एक ही सबसे बड़ा सवाल है, और यही सवाल जिसने हर एक फैंस को परेशान करके रखा है, वो ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के वाइट बॉल क्रिकेट करियर का अब क्या होगा। तो रोहित शर्मा पे तो अपडेट आनी अभी बाकी है, पर विराट कोहली पे भी एक बेहद बड़ी अपडेट आई है, और अपडेट ये है कि विराट कोहली ने बीसीसीआई से मांगा है इनडेफिनाइट ब्रेक फ्रॉम वाइट बॉल क्रिकेट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि विराट कोहली फिलहाल तो आपको कुछ समय के लिए वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। पहले वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो अभी अभी चल रही है उसमें अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद उन्होंने बीसीसीआई से सीधा सीधा कहा है कि वो साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे, जहां पर इंडिया को T20 और ODI दोनों खेलने हैं। अब ये एक बेहद बड़ी डिसीजन विराट कोहली की तरफ से बीसीसीआई के पास रखी गई कि वो इंडेफिनाइट ब्रेक ले रहे हैं फ्रॉम वाइट बॉल क्रिकेट, जिसको बीसीसीआई ने कबूल किया है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विराट कोहली अवेलेबल होंगे अगले साल के T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि इंडिया के पास अब सिर्फ 8 T20 ही बचे हैं बिफोर अगले साल का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। तो बेहद बड़ा सवाल फिलहाल क्रिकेट फैंस के मन में कि विराट कोहली अगले साल का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो वो आपको वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखेंगे, इस बात की गारंटी है। अब रोहित शर्मा का क्या होता है ये देखना ही बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई लगी हुई है रोहित शर्मा को मनाने में कि आप T20 क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी कीजिए। बहुत सारी अपडेट्स होने वाली है, बहुत सारा मजा आने वाला है। सारी अपडेट्स विराट कोहली और रोहित शर्मा की वाइट बॉल क्रिकेट करियर को लेकर हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट कंट्री पर।